अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो ये देखिए, हम आज इफ्तारी बनाने लगे हैं। तो मैंने आज इफ्तारी में ये टिक्की बनाई है, मटन टिक्की बनाई है। ये मटन टिक्की हम अपने बर्गर में लगाने वाले हैं। और ये ब्रेड पकौड़ा बनाए मैंने आज, ब्रेड पकौड़ा बहुत ही यम्मी बने हैं। और ये हमारा बर्गर रेडी है, जिसके लिए मैंने मटन टिक्की बनाई थी। और ये इफ्तारी रेडी हो गई है, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी सारा कुछ किया है, क्योंकि हम लोगों ने 5 बजे तक अफ्तारी की तैयारी नहीं शुरू की थी। और बस 5:30 बजे असर की नमाज़ के बाद हम लगे हैं। तो बस सारा कुछ जल्दी जल्दी से किया था, क्योंकि आज थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए थे, तो ये सब जल्दी से आकर वापस स्टार्ट किया है। और ये देखिए आप, ये जिस तरह की आइसक्रीम होता है हमारे यहाँ, ये पापड़ हैं। आज मैंने ये ब्रेड पकोड़े बनाए हैं, इनको मैंने दूसरी शेप दी है। और क्योंकि ब्रेड हमारे पास काफ़ी बड़ी थी, और खदीजा ने आज बर्गर बनाया, उसके लिए उसने खुद ही मेयोनीज भी तैयार की है। देखें आप, इतनी ज़बरदस्त मेयोनीज बनाई है खदीजा ने। और मैंने जब ये बर्गर को मेयोनीज के साथ खाया है, तो मुझे बिल्कुल मैगडी का टेस्ट लगा। और साथ ही ये मैंने ब्रेड पकोड़े और मेयोनीज, और साथ में हमने ये फ्राई किया है, और आइसक्रीम है हमारी मैंगो वाली। ये देखें आपके, आज खजूरें भी आई हैं हमारे यहाँ, मीठी खजूरें आई हैं पड़ोस से। और ये स्माइलीज हैं, और ये क्या है, शाही पीस हैं। ये देखें आप, ये भी हमारे यहाँ पड़ोस से आए। हमारे यहाँ माशाल्लाह, हमारे आसपास के हमारे जितने भी नेबर हैं, सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत लविंग हैं। और हम लोग एक दूसरे के यहाँ ज़रूर अफ्तारी पहुँचाते हैं, और हमें इसको एंजॉय करने में और ज़्यादा मज़ा आता है कि हम एक दूसरे का टेस्ट भी टेस्ट कर लेते हैं इसी बहाने। तो ये बहुत मज़े का साबुत दाने का क्या पकौड़ा है, टिकिया है, टिकिया है, बहुत यम्मी है। मैं साबुत दाने की मैंने इसको कभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन अच्छी लग रही है ये, मुझे बहुत मज़े की बना रखी है। तो ये हमारे नेबर के यहाँ से आई है, तो बहुत मज़े की है, तो मैं अभी ट्राई करूँगी। बहुत ही यम्मी है, इसमें काजू भी हैं। और भी ड्राई फ्रूट्स हैं इसमें, शायद किशमिश भी है। बर्गर बहुत मज़े के बने हैं, और साथ में जो खदिया ने मेयोनीज में बनाती थी हमेशा, लेकिन जो आज खदिया ने मेयोनीज बनाई, मुझसे भी अच्छी बनाई है। पापड़ तलवा है आपने, तो खा किस लिए नहीं रहे, बहुत ऑयली हो गया आज। बच्चा हेल्थ कॉन्शियस। वाह, खदीजा ने ट्राई किया है, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। के बाद सबसे बड़ा काम जो होता है ना, वो होता है टेबल या फिर दस्तरखान को उठाना, पूरा साफ करना, और फिर उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ना, फिर उसके बाद आपको मिलती है चाय, फिर कहीं जाके चाय मिलती है। और मतलब ये कि पूरा दिन हम काम करते हैं, पूरा दिन हम नहीं थकते, लेकिन जब हम रोज़ा खोल चुकते हैं ना, तो फिर उसके बाद ऐसा दिल चाहता है कि कहीं से कोई मदद आ जाए बर्तन उठाने के लिए टेबल पर। तो खैर, आज हमारे मियाँ जी घर में नहीं है, तो हमें इतना ख़राब लग रहा था, पूरा घर बुरा लग रहा था, क्योंकि अगर वो नहीं होते हैं तो बहुत बुरा लगता है। क्योंकि जब वो होते हैं तो सुबह 2:30 बजे से ही वो स्टार्ट कर देते हैं, क्या पकेगा क्या पकेगा क्या पकेगा। और आज वो नहीं थे, तो हम लोगों को कुछ पता ही नहीं था क्या बनाए। फिर बर्गर बना लिए, फिर ब्रेड पकौड़े बना लिए, फिर उसके बाद फ्राई कर लिया थोड़ा चिकन वगैरह। तो बस कोई भी ऐसा एहतमाम नहीं हुआ बहुत अच्छे से, जो होता है जब वो होते हैं वो करवाते हैं, तो वो इसलिए बहुत मिस किया।
तो एक बहुत ही प्यारा शेर मैंने लिखा था परसों रात को, तो वो मैंने सोचा था कल आपको सबको सुनाऊंगी, लेकिन फिर उसके बाद कल हमको टाइम नहीं मिल पाया, तो फिर उसके बाद हम कहीं चले गए थे रात को, तो वहाँ से बहुत लेट आए और आकर सहरी का वक्त हो गया था, तो फिर उसके बाद सहरी बनाने में लग गए, तो फिर बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला। और दिन में तो वक्त मिलता ही नहीं, क्योंकि दिन में मैं कुरान शरीफ पढ़ती हूँ और उसके बाद पकाना और सब कुछ देखना पड़ता है, किचन वगैरह, तो इसलिए फिर मुझे अब वक्त मिला, तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक वो शेर आप लोगों को बताऊं, वो मुझे ऐसा लगा कि मुझे सुनाना चाहिए, तो फिर मैं रात को रिकॉर्ड नहीं कर पाई। उसके बाद से मैंने सोचा मैं पोस्ट कर दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, वो मैं अपने खुद ही बैठ के आप लोगों को सुनाती हूं। हालांकि इतना मैं लिख सकती हूं, लेकिन मुझे अंदाज़े बयां मेरा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी कोशिश करती हूं, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए। तो वो शेर कुछ इस तरह से है कि हम तेरे हिजर में अंदर से बिखर जाते हैं, जिंदा लगते हैं मगर असल में मर जाते हैं। हम तेरे हिजर में अंदर से बिखर जाते हैं, जिंदा लगते हैं मगर असल में मर जाते हैं। जब कभी बोलता है हंस के किसी और से तू, कितने खंजर मेरे सीने में उतर जाते हैं। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो इंशाल्लाह जो मैंने लेटेस्ट शायरी अपनी लिख रही हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, और एक स्क्रिप्ट भी लिख रही हूँ, और वो मैं यहाँ के लिए नहीं लिख रही हूँ, इंडिया से बाहर के लिए लिख रही हूँ, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि वो किसके लिए लिख रही हूँ। तो इंशाल्लाह वो भी शेयर करेंगे हम आगे चल के। और दूसरी चीज़ ये कि मैं आपको अपने पेमेंट के बारे में भी बताऊँगी, IPRS का जो मैंने सारा प्रोसेस किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक राइटर भी हूँ, तो जो मैंने गीत लिखे थे उनकी कभी मुझे रॉयल्टी नहीं मिली थी, क्योंकि उसका मुझे पता ही नहीं था उसकी रॉयल्टी किस तरह से मुझे मिलेगी। तो वो जो मैंने सारा प्रोसेस किया था, वो सारा प्रोसेस मैं आपको किसी दिन बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी। उसका जो हम गीत लिखते हैं उसकी जो रॉयल्टी आती है तो वो मुझे नहीं मिलती थी, लेकिन अब अल्लाह के शुक्र से मेरा फर्स्ट पेमेंट आ गया है और मुझे अपनी रॉयल्टी मिल गई है, तो मुझे उसकी बहुत खुशी है। रमज़ानों में मुझे मेरा फ़र्स्ट पेमेंट मिला, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो कितना अच्छा प्रोसेस मैंने सारा कर लिया। तो वो पूरा जो प्रोसेस मैंने किया, किस तरह से किया, मुझे फिर वहाँ से रॉयल्टी कैसे आई, मतलब रमज़ानों में मुझे अपना फ़र्स्ट पेमेंट रिसीव हुआ, तो बस उसकी खुशी ही बहुत होती है। मतलब ये कि पैसे की इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो हमारा जो काम है अगर उसको लोग पसंद करते हैं और उससे हमें कुछ मिलता है, तो फिर मुझे उसकी मतलब सभी को खुशी होती है उसकी, तो मैं बयान नहीं कर सकती मैं कितनी खुश हूँ कि मुझे फ़र्स्ट रॉयल्टी अपनी मिल गई। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ आगे पूरा उसका, अगर आप चाहेंगे तो वो IPRS का पूरा प्रोसेस आपके साथ शेयर करूँगी। गाइस, आपकी सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं हैं, हम जो कुछ भी करते हैं सब अगर आप लोग ना देखें तो बेकार है। तो जिस तरह से मेरे गीतों को पसंद करा जा रहा है और मुझे रॉयल्टी मिलने लगी है उसकी, तो उसी तरह मेरे वीडियोज़ को यहाँ पसंद किया जा रहा है, मुझे रोज़ एक सुबह 5:30 बजे रोज़ डेली एक YouTube की तरफ से ईमेल आता है जिससे वो मुझे और मोटिवेट करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और इतनी जल्दी मेरे चैनल को उन लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया और इतने अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया वो, और आप लोग व्यूअर्स हमारे सब कुछ हैं, आप देख रहे हैं, आप सराह रहे हैं, तो वही हमारे लिए सब कुछ है। तो बहुत खुशी होती है मुझे इसको कि मैंने एक काम किया जिसके लिए 2 साल से सब मुझे बोल रहे थे मैं करती नहीं थी, लेकिन जब मैंने एक ये चैनल बनाया है तो सब ने इतने अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया इसको। तो आप लोगों के प्यार की, सपोर्ट की हमें बहुत सब ज़रूरत है, इसी तरह अपना प्यार बरकरार रखें, अपनी सपोर्ट हमें देते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, और अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।